Dudes and welcome back to Anime Tales Zone, जहाँ पे आपको बेबलेड से रिलेटेड ऑसम कंटेंट वीक में तो एक दो तो मिलती ही रहती है। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा मेटल सीरीज को इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी क्यों मेटल सीरीज नहीं आया बल्कि बेबलेड बर्स्ट टर्बो आया, तो इसके बारे में बात करेंगे। और बेबलेड मेटल सीरीज कब आएगा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो ठीक है ना, नए हो अगर सब्सक्राइब कर दो और बाजू का जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दो, ठीक है, जैसे जैसे आपको ऐसे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। तो चलो यार बिना और टाइम की वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो हमें बेबलेड मेटल सीरीज क्यों नहीं आई, उससे पहले हमें बेबलेड टर्बो के बारे में जानना होगा। तो देखो बेबलेड टर्बो जो है उसकी जो थीम सॉन्ग की डब है वो एकदम सस्ता था, और डबिंग भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर एकदम प्रॉपर जो डब था वो एकदम ठीक ठाक ही था, जैसा हमें चाहिए था वैसे ही डब किया है। पर कुछ कैरेक्टर के डबिंग सूट नहीं कर रहे थे मेरे हिसाब से, जैसे कि आया कि वॉइस थोड़ी सिलोटिल होनी चाहिए थे, पर ठीक है बट अच्छी डबिंग ही की है उन्होंने। तो अब बात आती है कि तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों ने अगर बी बी एक्स ट्यूमर की वीडियो देखी है तो उसने बताया कि विनोद कुलकर्णी एज ए डायरेक्टर थे, मतलब जो ओजी से लेकर बस तक उन्होंने कास्टिंग की थी जो वॉइस एक्टर होते हैं, पर उन्होंने लो बजट की वजह से छोड़ दिया कास्टिंग करना, यानी कि डिज्नी उनको कम पैसे दे रहा था इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। तो समझ रहे हो ना दया, डिज्नी आजकल सस्ता हो चुका है, मतलब सच में सस्ता हो चुका है डिज्नी लगता है। मतलब देखो डिज्नी ने सब कुछ सस्ते में करने की कोशिश किया, टर्बो को उन्होंने सस्ता डब और जल्दबाजी में किया, और उन्होंने 10 एपिसोड दिखाए भी बेबलेड टर्बो के, ठीक है ना, 10 एपिसोड हमें दिखाए, 7-10 एपिसोड दिखाए, अभी तक 10 एपिसोड दिखाए। तो मुझे लगता है ये जो 10 एपिसोड या फिर 5 एपिसोड था या फिर 4 जितने भी एपिसोड दिखाए गए उनमें से टीआरपी बहुत ज़्यादा अच्छी आई बेबलेड टर्बो की, इसकी वजह से अभी 38 एपिसोड तक डब हो चुका है। हाँ 38 एपिसोड तक डब हो चुका है, शायद इससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो देखो टर्बो की डबिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो तुम लोग समझ सकते हो उसकी टीआरपी कितनी मिल रही होगी, उसकी टीआरपी अच्छी ही मिल रही होगी इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डब हो रही है। तो शायद इसीलिए वो टर्बो को दिखा रहे हैं ना कि मेटल को, अगर उनके एपिसोड यानी कि बेबलेड टर्बो के एपिसोड में अच्छा टीआरपी नहीं मिल रहा तो मेटल मतलब बेबलेड टर्बो को बंद करके मेटल को दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है, उनकी टीआरपी अच्छी जा रही है टर्बो में और ऐसी चलती जाए जिससे हमें टर्बो देखने को मिलती रहे क्योंकि टर्बो एक अच्छी सीरीज़ है। तो ये तो बात कर ली क्यों यार मतलब क्या बेबलेड टर्बो से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से वो लोग कर रहे हैं। पर अब बात आती है मेटल सीरीज कब आएगा, तो देखो मेटल सीरीज में भी हो सकता है जब बेबलेड टर्बो ख़त्म होगा यानी कि जनवरी फरवरी मैंने काउंट किया था तब मेटल सीरीज आ सकता है। अब यार मैं डिज्नी पर कोई प्रॉपरली विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि डिज्नी राइस को भी डब कर सकते हैं, कोई मतलब यार ठिकाना नहीं है, सस्ता डब करके कुछ भी कर सकती है लोग। तो मेरी उम्मीद से तो भाई यार बेबलेड टर्बो के बाद बेबलेड मेटल सीरीज आनी चाहिए, तुम लोगों के हिसाब से क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। तो हाँ यार आज का वीडियो यार ख़त्म होता है और मेटल सीरीज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और टर्बो देखूँ। तो ठीक है यार आज का वीडियो यार था, अगर वीडियो पसंद हो लाइक करना, अच्छा बनाओ सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने बनाया था बिस्मिल्लाह।